नमस्कार दोस्तों हम पढ़ेंगे आज मौलिक अधिकारों के बारे में जो फंडामेंटल राइट हमको दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट उनके बारे में हम बड़े अच्छे से जो आज पढ़ने वाले हैं ठीक है ये जो राइट हैं सबसे पहले एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्यों है क्या है ये ठीक है ये राइट हमको इस वजह से दिए जाते हैं क्योंकि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया ओके हम सिटीजन हैं इंडिया के और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स पे करते हैं अपने देश को जो हो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कुछ न, कुछ ना कुछ हम अपने देश से लेते हैं तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप की जीवन को अच्छे से बढ़ाने के लिए हमको जो है वो कुछ राइट की कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है ताकि हमारा कोई शोषण ना करे किसी तरीके से हमको अपनी लाइफ में परेशानी ना हो इस वजह से आपको क्या दिए गए हैं कुछ राइट दिए गए हैं और जिनको क्या बोला गया है जी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं मतलब आपको अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए क्वालिटी के हिसाब से अच्छी करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट right की जरूरत है ठीक है तो वो ये सब राइट right हैं जी ठीक है जो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ओके इनको जो है वो मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो किस वजह से बोला जाता है मैग्ना कार्टा क्या मतलब दिल है जी ये आप इस तरीके से मान सकते हो मैग्ना कार्टा जो टर्म है वो उस समय प्रोवाइड की गई थी वो उस समय जो है वो बोली गई थी जब सबसे पहले एक इंग्लैंड का राजा था उसने कुछ ख़ास लोगों को जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे कुछ ज़्यादा ख़ास थे उन लोगों को क्या कुछ राइट जो है वो दिए थे तो उन राइट को क्या बोला गया था जी मैग्ना कार्टा जो है वो बोला गया था ओके इस वजह से इनको मैग्ना कार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये हमारे संविधान में जो है वो किस जगह पे हैं कौन सा आर्टिकल है, वो सभी हम बात करने वाले हैं तो ये पार्ट थ्री में है जी पार्ट थ्री में पार्ट थ्री में संविधान के जो है वो फंडामेंटल राइट लिखे गए हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं आर्टिकल बारह से लेकर के पैंतीस तक हैं जी ये थर्टी फाइव तक हैं ये ठीक है इसमें भी आगे कैटेगरी है वो भी हम पढ़ेंगे अच्छा कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये जो डिराइव किए गए हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से किस देश से किए गए हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यू से जो है वो लिए गए हैं ओके आपको ये फंडामेंटल राइट इनके बारे में ये बातें ज़रूर याद होनी चाहिए पार्ट थ्री में है बारह से लेकर के पैंतीस तक जो आर्टिकल हैं वो किसके हैं जी हमारे फंडामेंटल राइट के हैं और फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से लिए गए हैं जी यू से ये जो है वो सब राइट लिए गए हैं ओके और ये जो राइट हैं इनको बहुत अच्छे से रखा गया है संविधान में ये जो है वो जस्टिसिएबल हैं ये जस्टिसएबल राइट हैं जी ओके जस्टिसबल राइट का मतलब ये है कि इनकी जो है वो गारंटी आपको मिलेगी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ राइट मिलगी गारंटी किसी ने देनी दी नहीं गारंटी किसके द्वारा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोर्ट के द्वारा दी जाती है कि आपकी ये जो राइट है इनकी गारंटी हम लेते हैं अगर कोई आपको वायलेट करता है आपके राइट को तो आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हो कोर्ट में आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको क्या है वो न्याय मिलेगा ओके तो ये सब बातें हैं जी अगर मैं बात कर लेता हूं कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे टोटल फंडामेंटल राइट छः हैं पहले सात थे जी उसके बाद एक कम करके कितने बना दिए छः बना दिए अभी हम उनको जो है वो लिस्ट से पढ़ने वाले हैं ठीक है अच्छा बारह और तेरह जो आर्टिकल मैंने लिखा है बारह और तेरह ये क्या है जी ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसमें क्या है आपको बड़े अच्छे से मैं बताऊंगा ठीक है और जो हमारे असली जो फंडामेंटल राइट हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो चौदह से स्टार्ट हो जाते हैं फोटीन से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं जी सबसे पहले है जी चौदह से ले करके अठारह तक एक ये है इसको आप बोलते हो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी का समानता का जो है वो अधिकार आप बोलते हो उसके बाद आता है जी उन्नीस से लेकर के बाईस तक ये आता है जी हमारे फ्रीडम का फंडामेंटल राइट ओके आज़ादी का फंडामेंटल राइट आपको समानता मिलगी आपको आज़ादी मिलगी उसके बाद आता है जी आपका तेईस और आर्टिकल चौबीस इसमें आता है जी आपको राइट दिए गए हैं अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन मतलब आपका कोई एक्सप्लोइटेशन न करे ओके आपको तेईस और चौबीस के तहत न्याय मिलेगा उसके बाद आता है जी हमारा पच्चीस से लेकर के अट्ठाईस तक ये आते हैं जी आपको एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ भी ये मिल गया है और अब आते हैं ये रिलीजन के लिए आप कोई भी धर्म जो है वो अपनाओ अपनी प्रैक्टिस करो पच्चीस से अट्ठाईस उसके बाद आता है जी फिर हमारा उनतीस और तीस दो आते हैं जी रिलीजन के बाद आपको जो है कल्चरल और एंड एजुकेशनल राइट जो है वो दिए गए हैं ओके एजुकेशनल राइट जो है वो दिए गए हैं उसके बाद आता है एक इकतीस ये है जी प्रॉपर्टी का और उसके बाद आता है फिर बत्तीस जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह है जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब ये वो राइट है अगर आपको लगता है कि मेरे को जो है वायलेट हुए हैं मेरे आप थर, आर्टिकल थर्टी टू के तहत कोर्ट में जाकर के अपने न्याय की डिमांड कर सकते हो अब मैं आपको बता दूं इन में से आप सब पढ़ोगे सिर्फ एक नहीं पढ़ोगे आर्टिकल थर्टी वन प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी का है पहले ये फंडामेंटल राइट था इसको क्या बना दिया था जी लीगल राइट इसको बना दिया था लीगल राइट इसको बनाया था ये बनाया था जी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी नाइनटीन सेवेंटी एट में इसको आर्टिकल को थर्टी वन से उठा करके कहाँ डाल दिया था जी आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में और इसको क्या बना दिया था लीगल राइट जो है वो बना दिया था ना कि फंडामेंटल राइट तो इस वजह से पहले हमारी कितनी थी टोटल फंडामेंटल राइट सात थे एक फिर कम कर दिया और अब टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं जी हमारे सिक्स हमारे फंडामेंटल राइट हैं ओके अब हम बात करेंगे जी हमारे फंडामेंटल राइट right को एक एक फंडामेंटल राइट right को जानने की सबसे पहले हम पढ़ेंगे बारह फिर पढ़ेंगे तेरह और फिर पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से अठारह तक ओके बिल्कुल एक एक स्लोट पढ़ेंगे इक्वलिटी क्या है फ्रीडम क्या है एक्सप्लोटेशन में जो है क्या बात की गई है उनमें एक्सेप्शन क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं बिल्कुल एक एक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी आर्टिकल बारह को आर्टिकल ट्वेल्व को जो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन है किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है आर्टिकल में इंट्रोडक्शन है जी किसका स्टेट का किसका किसको डिफाइन किया गया है स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट है क्या स्टेट को आप यहाँ पे देश बोल सकते हो ना कि राज्य जो हमारे राज्य है जैसे यूपी है बिहार है पंजाब है हरियाणा है राजस्थान है कर्नाटका है तमिलनाडु है ये सिर्फ़ क्या है एक जियोग्राफिक स्टेट है हमारे अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल के हिसाब से तो स्टेट क्या होगा स्टेट होगा जी हमारा हमारी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जिस जगह पे जो है वो काम कर सकती है वो स्टेट होगा स्टेट का मतलब ये है कोई सिटीजन भी ओके सिटीजन भी ऑर्गेनाइजेशन भी एनजीओ भी ये सब के सब कोई भी ऐसी संस्था कोई भी ऐसी चीज़ जो देश को चलाने में अपना कुछ ना कुछ योगदान देती है वो स्टेट के अंडर आएगी ठीक है थीका? तो सब तरीके से जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर अंडर आ जाती हैं जी स्टेट के अंदर आ जाती हैं स्टेट के अंदर देश के अंदर क्या है जैसे कि कोई भी राज्य है उसका जो भी सीएम है और उसकी जो सरकार है वो भी किसके अंडर में आएगी जी वो भी स्टेट के अंडर में आएगी ठीक है तो हर एक चीज़ कोई भी हो कोई भी कंपनी हो जैसे कि एल है या फिर सेल है कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसपे जो है जो देश में कंट्रीब्यूशन रखती है देश में कुछ ना कुछ काम करती है वो सब किसके अंडर में आएगी जी स्टेट के अंडर में वो आएगी वो उससे बाहर नहीं जा सकती और उसके बाद फिर कौन सा आर्टिकल आता है जी आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल थर्टीन हमको क्या बताता है आर्टिकल थर्टीन हमारे फंडामेंटल राइट की हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं इन को कोई खत्म ना कर दे उनको बचाता है बचाने का जो काम है वो कौन करता है जी आर्टिकल थर्टीन करता है आर्टिकल थर्टीन क्या बोलता है अगर स्टेट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट को जो है वो कम करता है ओके फंडामेंटल राइट को क्या करता है वायलेट करता है तो उसी कानून को क्या माना जाएगा जी रद्द माना जाएगा मतलब आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दे ओके फंडामेंटल राइट जो है उनको सबसे ऊपर रखने का जो काम है वो कौन करता है जी आर्टिकल थर्टीन जो है वो काम करता है ओके तो ये आर्टिकल ट्वेल्व और आर्टिकल थर्टीन थे ओके अब थोड़े से मैं फंडामेंटल राइट right की कुछ खासियत चीज़ें भी आपको बता देता हूँ फंडामेंटल राइट की अच्छा कुछ फंडामेंटल राइट right ऐसे भी होते हैं जो ओनली फॉर सिटीजन होते हैं उनको भी आप पढ़ोगे और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी के लिए होते हैं वो चाहे कोई कंपनी है कोई पीपल है कोई भी सिटीजन है वो सभी के सभी जो है उसमें वो इंक्लूड हो जाएंगे अच्छा ऐसा है फंडामेंटल राइट क्या है ये आ, आप मान सकते हो कि क्वालिफाइड है एब्सोल्यूट नहीं है नोट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा है कि आप इनके अंडर में आकर के ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दोगे आपको आज़ादी है कि आप कहीं भी फिरो कहीं भी जाओ बट ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में घुस करके जो है वहाँ से कोई भी सामान चुरा ले आए ठीक है ये एब्सोल्यूट एबसुल्... ये नहीं है ये क्वालिफाइड है मतलब आपको उतनी आजादी देंगे जितनी आपके लिए जरूरी है इनमें जो है कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन भी है रेस्ट्रिक्शन वो कौन कौन से हैं वो भी आपको जब फंडामेंटल राइट कराएंगे उस समय मैं बताऊंगा ओके तो इस तरीके से है जी फंडामेंटल राइट हमारे अच्छा ये इनको गारंटी किसके द्वारा किया जाता है जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्या किया जाता है जी गारंटी जो है आपको दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप के फंडामेंटल राइट कोई ख़त्म करता है तो आप जो है कहाँ जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अच्छा एक और चीज़ अगर हमारे देश में एमरजेंसी जो है वो लग जाती है एमरजेंसी के समय जो है आर्टिकल बीस और आर्टिकल इक्कीस इनको छोड़कर बाकी जो सारे फंडामेंटल राइट हैं वो क्या हो जाते हैं जी वो खत्म हो जाते हैं किस समय खत्म होंगे ये ये इमरजेंसी के टाइम जो है वो खत्म हो जाएंगे आर्टिकल बीस और आर्टिकल इक्कीस को छोड़कर अब आर्टिकल बीस और आर्टिकल इक्कीस क्या कहता है वो मैं तब बताऊंगा जब जो है आगे हम इनको एक एक करके जो है वो पढ़ेंगे ओके अच्छा हमारे फंडामेंटल राइट right कुछ नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं नेगेटिव सेंस मतलब कुछ न, 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 नो बोलते हैं नो भाई आपको ये काम नहीं करना उनको जो है हाँ, वो आप नेगेटिव बोलोगे पॉजिटिव जो आप कर करने के लिए जो है बोलते हैं कि आपको ये करना है ओके नेगेटिव जैसे कि अनटचेबिलिटी है ओके डिस्क्रिमिनेशन है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ओके okay, नहीं वर्ड है ना वहाँ पे तो उसको बोला गया है कि नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव है जैसे कि आपको आज़ादी है जी आप कोई भी धर्म अपनाओ कहीं भी जाओ घूमो फिरो ठीक है काम करो कोई भी अपने हिसाब से ओके कोई भी अपने हिसाब से अपनी मनपसंद के एजुकेशन लो तो ये क्या है ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है कुछ नेगेटिव फंडामेंटल राइट है ओके नेगेटिव किस सेंस में है वो मैंने आपको बता दिया ओके तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब हम हमने अभी बारह और तेरह आर्टिकल ट्वेल्व और थर्टीन को कवर किया है अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल एक एक उसको पढ़ेंगे हम कि इक्वालिटी के आर्टिकल जो है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो चौदह से लेकर के अट्ठारह तक है ठीक है चौदह भी पढ़ेंगे उसके बाद पंद्रह पढ़ेंगे सोलह सत्रह अठारह एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे उन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कवर करेंगे तो वो सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में Okay, thank you.